पिछले वीडियो में आपने देखा कि कोलेजन आपकी त्वचा के लिए कितना जरूरी है। यह त्वचा पर झुर्रियों का आना कम करता है, लेकिन ये जानकर कोलेजन में आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा कि कोलेजन हड्डियों के लिए कितना जरूरी है। कोलेजन वो पदार्थ है जो शरीर को एक साथ जोड़े रखता है, हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। कोलेजन की कमी से गठिया रोग होता है, जिसे आर्थराइटिस भी कहते हैं। भोजन में कोलेजन दो अवस्था में पाया जाता है, तैयार अवस्था और अपरिपक्व अवस्था, जिसे प्रोकोलेजन कहते हैं। आप दो तरह से शरीर में कोलेजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, कोलेजन के प्राकृतिक स्रोत को अपने आहार में शामिल करके या उन खाद्य पदार्थों को खाने से जिनमें कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पोषक तत्व होते हैं। कॉपर, जिंक, विटामिन सी और एमिनो एसिड की मदद से शरीर कोलेजन का उत्पादन करता है। तो अब उन खाद्य पदार्थों के बारे में बात करते हैं जो कोलेजन बढ़ाने में मदद करते हैं। मांस। मांस को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इसीलिए यह कोलेजन का भी सबसे अच्छा स्रोत है। चिकन में बड़ी संख्या में जोड़ने वाले टिश्यू होते हैं। कोलेजन की प्रचुरता के कारण गठिया के इलाज के लिए चिकन की गर्दन और कार्टिलेज का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। हड्डी का सूप। चूंकि हड्डी का सूप हड्डियों और संयोजी ऊतक से बना होता है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कोलेजन, अमीनो एसिड और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं। मछली। शोध के अनुसार किसी भी अन्य मांस की तुलना में मछली के कोलेजन को शरीर में डेढ़ गुना अधिक कुशलता से अवशोषित किया जाता है। मछली की त्वचा में कोलेजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अंडा। अंडे की सफेदी में कोलेजन उत्पादन के लिए सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। स्पिरुलिना। कुछ प्रकार के मांस की तरह स्पिरुलिना प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है। स्पिरुलिना के 60% से अधिक अमीनो एसिड होते हैं। एक शोध में यह पाया गया है कि स्पिरुलिना में घाव भरने की क्षमता होती है। खट्टे फल। शरीर में प्रोकोलेजन के स्रोत के उत्पादन में विटामिन सी एक प्रमुख भूमिका निभाता है, यही प्रोकोलेजन बाद में कोलेजन बनता है, इसलिए पर्याप्त विटामिन सी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। खट्टे फल विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। बादाम, काजू, तिल के बीज, कद्दू के बीज, जिंक और कॉपर के अच्छे स्रोत हैं। पत्तेदार हरी सब्जियां। पालक और गोभी के पत्ते विटामिन सी, जिंक और कॉपर का समृद्ध स्रोत हैं। वे कोलेजन उत्पादकों को प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि क्लोरोफिल का सेवन त्वचा में प्रोकोलेजन को बढ़ाता है। टमाटर। विटामिन सी का एक और छिपा हुआ स्रोत, एक मध्यम टमाटर कोलेजन के निर्माण के लिए लगभग 30% महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। टमाटर में बड़ी मात्रा में लाइकोपीन भी होता है, जो त्वचा के लिए एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च विटामिन सी का महान स्रोत है। शिमला मिर्च में कैप्साइसिन भी होता है, जो एक इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है जो उम्र बढ़ने के संकेतों का सामना कर सकता है। लहसुन। लहसुन में सल्फर उच्च मात्रा में होता है, जो एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म खनिज है जो कोलेजन के संश्लेषण में मदद करता है और कोलेजन को कमजोर होने से बचाता है। वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।